खुद को और अभी हसल में भसड़ करते हैं। चलो किसके टीम से हम अभी जा रहे हैं फिजा लेके। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, दिनू भाई के बयान में हम जा रहे हैं। हेलो साक्षी मैम, हाउ आर यू? आपका फिजा बहुत पसंद है हमने सुना था, और आप फिजा खाइए, आप जैन खाना खाते हो। तो हम दिनू भाई से मिलते हैं। चलो गाइस वेलकम टू, स्वागत करते हैं हमारे दिनू भाई के साथ में। और दिनू भाई खाना खा रहे, यार डिस्टर्ब तो नहीं कर सकता, लेकिन भाई को पूछ लेते भाई। मुझे लगा ये खाली हाथ आएगा मेरे को। नहीं नहीं, मैं खाली हाथ कभी नहीं आता भाई। तेरे सांप कहाँ है, केकड़े कहाँ है, नीमला कहाँ है भाई? बस चल रहा है भाई। दिनू भाई खाना खा रहे, और खाना खाते डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और पर अपना अभी ब्लॉग है यार, तो देख लो यार, तुमको तो पता है, तुम्हारा भाई सब चीज़ें दिखाते रहता है। दिनू भाई अभी ये लास्ट शो है आज, मतलब आज फिनाले है। करेक्ट। तो आपको क्या लगता है अपनी टीम में विनर कौन होगा? ये सब नहीं बोल सकता यार, अभी तो सब विनर, लेकिन मेरे को लगता है सर सभी परिवार है ना, अपना परिवार तो सभी है। तो यार ग्रेविटी को जीतना चाहिए टेक्निकली। मुझे लगता है ग्रेविटी जीतेगा तो उसको जीतना चाहिए, क्योंकि बहुत कड़क लड़ना है। तूने देखा है ना उसको? जी भाई जी, मैंने गाने से सुने हैं उसके, बहुत अच्छा भी गाता है। और भी कुछ ऑप्शन है भाई आपके पास? भाई मेरे को तो सब अच्छे लगते हैं। तेरा फेवरेट कौन है बता पहले तू? भाई देखो, पहले गलत हो जाए फिर मैं गलत। नहीं नहीं, मेरा फेवरेट तो एक ही है, दिनू भाई। वो तो है गाइस, मेरा फेवरेट भी तू है। यस भाई, फेवरेट कौन है भाई? वैसे तो मैं सबके रैप सुनता हूँ, मैं भी तो छोटे छोटे मोटे मतलब रैप दिमाग में बनाते रहता, लेकिन सब मेरे तो चॉइस सब एक ही है। करेक्ट। मतलब सब रैपर मेरे लिए लेवल के लिए सब एक ही है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है रैप लिखने के लिए, और आसानी से कोई चीज नहीं मिल जाती है। बिल्कुल सही बात जी। तो उस तरीके से भाई मतलब के सब लिखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और जब वो जाके वो चीजें दिखाते हैं। तो ये सब छोड़, तो ये बता कि यार अपन पहली बार काम कर रहे थे, कैसा लगा? मैं बहुत अच्छा लगा भाई, सही बता, दिल से। यस भाई एक नंबर, बहुत अच्छा। कटोरी में तुम लोग गालियां तो नहीं देता था? कभी नहीं भाई। हां भाई, तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। तो गाइस यहां से कट कर देना, नहीं सब बोलते ना अच्छा लगेगा तेरे को, तुम कर देना। देखो भाई कैसा सीन है, अभी देखो आप इतना अच्छा काम करते हो, सब सब लोग आपको बहुत जानते हैं। अभी मैं जितने दोस्त लोग हैं मेरे को बोलते हैं यार प्लीज यार दिनू भाई से मिलाना, मैं सीधा बोलता हूँ भाई मैं वहाँ पे शूट नहीं कर रहा हूँ। जैसे रेमो भाई रफ्तार भाई से मिलने के लिए इन लोग फोन करते हैं, मतलब मैं शूट पे नहीं हूँ भाई, मैं छुट्टी पे हूँ, मैं इसलिए स्टोरी भी डालना बंद कर दिया। हाँ आप बताओ भाई, अभी नया नया क्या? अभी मैं अंदर से बोल रहा हूँ, दिल से बोलो भाई, तेरी एनर्जी एक्चुअली बहुत अच्छी। थैंक यू भाई, बहुत मजा आया। यस भाई ये कंटिन्यू रहती है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ख्याल रखता है हम सब लोग का, दिल से ख्याल रखता है, हमारे साथ जितने लोग आते हैं उनका ख्याल रखता है, और बहुत ज्यादा मजा आता है। तो मालूम क्या है असल में, क्या क्या मिस करूंगा जी भाई मैं, ये सब चीजें मैं तेको बहुत मिस करूंगा। आई लव यू भाई, अपन शूट करते रहेंगे, अपन शूट करते रहेंगे। तो अब मुझे शूट करने का एक और बहाना मिल गया कि आई वांट टू गेट टू मीट माय फ्रेंड्स। यस भाई, तो आज आखिरी दिन है, उसके मतलब ये नहीं है कि अपन नहीं मिलने वाले, हम तो कंटिन्यू मिलते रहेंगे, तो घर में पार्टी करेंगे, सांप और नेवले घर पे मिलेंगे। चलेगा भाई, है ना? मुझे ऐसा लगता है हाँ, कि जैसे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल है ना, वैसा कॉमेडी नाइट्स विद खेकड़ा होना चाहिए। ये उधर भी टाइम पास करता है स्टेज पे, भयानक होना चाहिए, वही होना चाहिए ये शो, मालूम है? कपिल को पीछे छोड़ दे, ये 110% ऑन स्टेज चले जाता था, जब ही कट रहा कुछ भी रहता था ना, कुछ भी नहीं होता, बैठा रहता। मैंने उसको पहली बार वहीं देखा है। पहले K9 और सोल था ना, K9 और सोल, फर्स्ट शो ऑफ कपिल शर्मा, K9 तो कपिल का ही है ना? हाँ, कपिल का ही, ये अपना कपिल ये तो है जो शूट कर रहा है, इसका फाइनेंसर यही है, तो कपिल ही कपिल है। कपिल कपिल है, जाके पूरे स्टेज पे ठोको ताली चलाया था। अच्छा, मैंने स्पेक्टर से लेकर बूगी बूगी बहुत सारे पुराने पुराने शो किए भाई। तो इंटरव्यू तो खत्म कर, और कोई पूछ कट कर, अभी यहाँ से आगे पूछते हैं ना कुछ नया।